हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल vivahame.com में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज नए प्रकार का डोरमेट बनाते हैं जो हमने साड़ियों से बनाना है। वो हम ये देखिए, हमने ये कलर दो कलर की साड़ियों को फाड़ के गोला बना लिया है। उसके बाद अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे न्यू डिज़ाइन का डोरमेट जो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ये देखिए, ये देखिए आज हम ये वाला डोरमेट बनाना सीखेंगे जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे आप दो कलर से, चाहे तो तीन कलर से, आप जैसे चाहे वैसे कलर इसमें लगा सकते हैं। मैंने इसमें दो कलर लगाए हैं। तो चलिए इसके आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे फंदे। फंदे लेने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको हमने इतना बना लिया है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताएँगे कि कहाँ से बनाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो हमने जब ये फंदे डाल लिए, एक येलो कलर का डालना है, फिर ये ब्लू और ये ऊपर अलग कलर के। ये फंदे इतने दो कलर में डालने हैं, दो पार्ट में, येलो का और ये ब्लू का। अगर आप तीन ले रहे हैं, ये कलर और ये कलर अलग अलग ले रहे हैं, तो आप इनका अलग अलग बना के लीजिए। क्योंकि हमने इसमें दो कलर लगाए हैं तो इसलिए हमने दो पार्ट में इसको लिया है। आप एक दो तीन, तीन कलर में भी आप और ये वाला चार कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन हमने दो कलर ही इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए इसको आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम ये सारे फंदे ले लेंगे तो वहाँ पे हम यहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 5 एंड 6 7 सेवन फंदा, सिक्स फंदे छोड़ के सेवन फंदा, यानी कि एक ये फंदा जो हमने लिया है इसको हम इसी प्रकार से एक फंदा उठाएंगे। उसके बाद यहाँ से बुनते हुए हम नीचे की साइड को जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से, अब ये एक फंदा हमारा बुन गया, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अभी मैं आपको पूरा समझा दूँगी डिटेल में, तो थोड़ा सा इसको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से हमें इन सारे फंदों को बनाना है जो जिस कलर से है। ये देखिए येलो को आप येलो आगे लाएंगे और ब्लू पीछे कर देंगे, इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने इसके बना लिया। अब यहाँ पे हमारा दो फंदा है, इसको एक और बीनेंगे और यहाँ से हम वापस से हो जाएंगे और ये एक फंदा यहीं पे छोड़ देंगे इसको। ये देखिए, अब यहाँ से इन सारे फंदों को, येलो को हम येलो से बना लेंगे। और इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से आगे की साइड करके ये वाला फंदा ऐसे, अब ब्लू वाला ब्लू से बीनेंगे। आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन जितना अच्छा रखेंगे ये डोरमेट उतना ही अच्छा लगेगा। तो अब इसमें क्या करना है, इसको फिर से इसी प्रकार से ऐसे उंगली से दबा के ले लेना है, फिर येलो को येलो से बनाना है। अब ये हमारा धागा नीचे पड़ रहा है तो इसको हम इस साइड से ऐसे दबा लेंगे और ये यहाँ पे ऐसे, क्योंकि पहले हमारा एक फंदा था तो हमने एक को बीनना है और दूसरे को भी येलो से बीनना है। अब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर अब ये ब्लू से बनाएंगे इस प्रकार से। ये वाला सीधा फंदा लेना है हमें हमेशा, सीधा लेंगे, जिससे हमारी ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी पूरी चोटी बनके रेडी हो जाती है। अब इसको इन सारे फंदों को हम ऐसे ही, ये देखिए ऐसे ही बुनना है और इसको पीछे लेंगे, येलो आगे लाएंगे और येलो को, दोनों फंदों को येलो से भी बुनना है और येलो पीछे करके अब ये वाला ब्लू कलर हमने इसको अलग अलग लगाया है ताकि स्पेस ना हो, इसको ऐसे खींच देंगे इस प्रकार से, येलो कलर को फिनिशिंग अच्छी आएगी। और ये ब्लू वाले ब्लू से बनाएंगे, अब ब्लू वाला कलर फिर पीछे करेंगे और येलो को खींचते हुए आगे की साइड लाएंगे।
अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एक फंदा छोड़ा था, अब ये भी छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे और पलटने के बाद फिर ऊपर की साइड को बुनेंगे। इसको ऐसे दबा लेंगे और ये इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसे दबा के फिर येलो को येलो से और एक ब्लू हम येलो बनाए येलो बना लेंगे और इसको यहीं छोड़ देंगे। अब बाकी येलो से बनाएंगे। ये देखिए ये सीधा फंदा लेंगे और इस फंदे को क्या करना है, सीधा लेते हैं इसलिए धागा हमारा आगे आ जाता है, तो इसे हम ऐसे ही उतार के अगला फंदा बुनेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि फंदे को हमेशा उतार के ही बुनना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आता है, जब हम पूरा वीडियो देखते हैं तो हमारे पूरे समझ में आ जाता है, वरना कहीं कहीं अगर कट करके हम देख लेते हैं तो वीडियो तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा छूट जाता है पार्ट, तो हमारा डोरमेट बनाने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। ये देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पे हम बनाएंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पे एक एक करके एक दो तीन चार पाँच फंदे घटा लिए और ये छः। अब यहाँ से हमारा एक फंदा बचता है तो यहीं से हम पलट लेंगे और यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे देखना है। अब इसको ऐसे बिन लेना है, बुनने के बाद इसको आगे करना है और ये ब्लू को ब्लू से बनाना है। ये ब्लू को हम ब्लू से बनाएंगे और ये वाला येलो येलो से। अब ये वाला जो लास्ट फंदा बनता है ये हम येलो से बनाएंगे इस प्रकार से। और इसे हमेशा हम क्या करते थे, ये उतार लेते थे, ऐसे ऐसे उतार लेते थे, तो हमें उतारना नहीं है। इसमें क्या करना है, हमें इसे एक बार बुन लेना है ये, जिससे हमारी यहाँ पे गार्ड बन जाए तो हमारा ये डोरमेट बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो अब इसे हम पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे। ये हमारी एक रो बन गई, ये हाफ बन के रेडी हो गया। अब इसके आगे का क्या करना है देखते हैं। अब यहाँ पे अब येलो पीछे कर देंगे और ब्लू आगे लाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ तक कि हमने एक एक फंदा घटाया था, चलिए दिखाते हैं। यहाँ तक कि ये हमने एक एक फंदा छोड़ दिया था, यहीं से पलट लिया था। अब यहाँ पे एक ये वाला बचता है तो हम इसको भी छोड़ देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, अब ब्लू वाले पूरे बुन लेते हैं और यहाँ से पलट देते हैं। अब येलो को हमें नहीं बुनना है, येलो को ऐसे ही पड़ा रहने देना है और यहाँ ब्लू से बुनाई करते हैं आगे की साइड। इस प्रकार से आगे की साइड को हम बुनाई करेंगे। ये देखिए ऐसे अब येलो बनाएंगे, येलो बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब ये देखिए यहाँ पे हमने पूरे कलर बुन लिए थे, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ब्लू से बुनना है, तो हम इसमें अब धागा लगा देते हैं क्योंकि ये धागा ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें हम धागा कैसे लगाएंगे, इस प्रकार से ऐसे पट्टी फैला के उसके अंदर इसको करके लपेट के ऐसे करके बनाएंगे, जिससे हमारा धागा खुलता नहीं है किनारे का। अब एक फंदा ये और एक ये, इन दो फंदों को इसको हम सीधा लेंगे, इन दोनों फंदों को ब्लू से बनाएंगे और यहाँ से देखिए
अब इसको क्या करेंगे, इसको हम उतार लेंगे और ये ब्लू वाला ब्लू से बनाएंगे। ये देखिए, अब इसको ब्लू पीछे पलट देंगे और येलो आगे ले आएंगे, आगे की साइड येलो लेके हम येलो को, ये देखिए इस प्रकार से येलो को येलो से बनाएंगे और येलो पीछे करके ब्लू आगे लाएंगे। ये ऐसे लगा लेंगे और ये इस प्रकार से हम इसको ऐसे, अब यहाँ पे हमने पूरे एक एक छोड़े थे, ये भी छोड़ दिया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बुनेंगे और यहीं से पलट लेंगे। यहाँ से पलट लिया, अब पूरे येलो को येलो से बनाएंगे, सॉरी ब्लू को ब्लू से बनाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम इन सारे फंदों को बनाएंगे और ये यहाँ पे, अभी लास्ट में एक चीज़ और बताना है, तो अब ये ध्यान से देखिएगा तभी पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ पे सॉरी, ये वाला हमें क्या करना है, अब ये हमने दो फंदे लिए थे तो अब ये वाला ब्लू, अब इसको येलो आगे कर लेंगे और इस प्रकार से ऐसे लेंगे जिससे हमारा यहाँ पे स्पेस ना हो और अच्छे से डोरमेट फिनिशिंग बनके तैयार हो जाए इस प्रकार से। अभी लास्ट में एक चीज़ और बताना बाकी है, तो ध्यान से पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब ये हो गया, अब इसे हम पीछे करेंगे और येलो को आगे लाएंगे। अब ये देखिए, हमने यहाँ करके एक एक करके यहाँ तक के सारे फंदे कटा लिए, अब यहीं से हम पलट लेंगे और पलटने के बाद अब इसको बुनेंगे और यहाँ से, ये देखिए अब येलो को एक येलो से बनाएंगे और ये वाला ब्लू से और बाकी सारे ब्लू कलर से बनाएंगे। ये देखिए हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जो स्पेस दिख रहा है, स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि ये लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग की थी, ये बताना था कि हमने जब स्टार्टिंग की थी तो एक कलर दो कलर्स फंदे डाले थे, जैसे हमने बताया था दो कलर्स फंदे डाले और यहाँ से एक से स्टार्टिंग की, ये हाफ़ कली बन के रेडी हुई थी। तो ये हाफ़ कली, अब ये लास्ट वाली हाफ़ कली से बन के रेडी हो जाती है इस तरह से। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा और इसकी ऐसे सिलाई हो जाएगी। ये देखिए ये हमारा डोरमेट इस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगा। अब जो इसमें करना है, जो जिस कलर से है हमें उसी प्रकार से उसको उतार देना है। तो चलिए उतार के दिखाते हैं। ये देखिए अब हमारा फाइनल डोरमेट बन के रेडी हो चुका है। ये इस प्रकार से यहाँ से सिलाई की जाएगी। अब यहाँ से हमें ये जो धागा बचता है, ये जो धागा बचता है इसे ऐसे ही इसमें इस प्रकार से इधर उधर से पिला के ऐसे इसे हम बराबर से सिलाई करेंगे। ये देखिए अब इसको जो जिस कलर से उसी कलर से हम सिलाई कर देंगे और यहाँ लास्ट में आके हमें इस प्रकार से ऐसे सिलाई कर देनी और हमारा डोरमेट इस प्रकार से बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस प्रकार से हमारा डोरमेट रेडी हो गया। ये देखिए कितना सुंदर डोरमेट है। तो अगर आपको ये डोरमेट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।